दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी महामुकाबले के लिए भारत की बदल गई है प्लेइंग 11 और अब इतने बजे खेला जाएगा आखिरी महामुकाबला। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि दोनों टीमों के बीच आखिरी महामुकाबला कब से शुरू होने वाला है और दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल को जिस तरह से दूसरे ओडीआई महामुकाबले में हार झेलनी पड़ी है उससे कप्तान काफी निराश और हताश नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने आखिरी महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलाव कर दिए। तो भाई दोनों टीमों के बीच आखिरी महामुकाबला 21 दिसंबर को शाम 4:30 बजे से पोलैंड में खेला जाएगा। इसी को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने दूसरे ओडीआई महामुकाबले में खराब गेंदबाजी की है जिसके कारण हमारे लिए हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया जो भारतीय टीम की हार के सबसे बड़े गुनहगार हैं, जिसके कारण उन्होंने आखिरी महामुकाबले के लिए भारतीय टीम रजत पाटीदार और वॉशिंगटन सुंदर जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, जिससे टीम इंडिया की जीत और भी सुनिश्चित मानी जा रही। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडम मार्करम ने मैच से पहले ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, इसलिए अब दोनों टीमों के बीच काफी कड़ा और रोमांचक भरा आखिरी मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस तरह से दूसरे महामुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की और बल्लेबाजी भी शानदार की जिसके कारण भारतीय टीम के लिए एक शर्मनाक हार मिली है। तो भाई केएल राहुल ने मैच से पहले ही भारत की एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, क्योंकि केएल राहुल का कहना है कि अगर हमें सीरीज जीतनी है तो हर हाल में आखिरी महामुकाबला जीतना ही होगा। तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करती है। तो भाई केएल राहुल ने इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहाँ पर इस मैच में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है वह उम्मीद जताई जा रही है कि वह आखिरी महामुकाबले में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जहां पर साई सुदर्शन लगातार दोनों ही ओडीआई महामुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी किया है और 2 अर्धशतक लगा है। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले मैच में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और दूसरे महामुकाबले में जब भारतीय टीम के लिए तेज शुरुआत दिलानी थी तो वह 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तो भाई 3 नंबर के लिए भारतीय टीम में ओडीआई महामुकाबलों में पूरी तरह से फ्लॉप रहने वाले तिलक वर्मा इस महामुकाबले से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि केएल राहुल का कहना है कि अब हम आखिरी मैच में कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं और हर हाल में हम सीरीज जीतेंगे। तो भाई इस महामुकाबले के लिए तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार की टीम इंडिया में वापसी कराई जा सकती है, क्योंकि रजत पाटीदार ने हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो भाई 4 नंबर के लिए एक बार फिर से संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, हालांकि संजू सैमसन से उम्मीद थी कि वह दूसरे ओडीआई महामुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम की पारी को संभालेंगे, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। 5वें नंबर के लिए भारतीय टीम में एक बार फिर से केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि केएल राहुल ने दूसरे ओडीआई महामुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी और भारतीय टीम के लिए संभाला था, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजों ने कोई भी विकेट नहीं लिया जो भारतीय टीम की हार का एक सबसे बड़ा कारण बना था। तो वही 6 नंबर के लिए भारतीय टीम में एक बार फिर से रिंकू सिंह को खेलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि रिंकू सिंह ने दूसरे ओडीआई महामुकाबले में डेब्यू किया था, हालांकि वह उस मैच में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किए थे और मात्र 17 ही रन बना सके थे, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने हाल ही में T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया था वही प्रदर्शन वह इस मैच में जारी रखेंगे। तो वहीं 7वें नंबर के लिए टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही मैच में पूरी तरह से अक्षर पटेल फ्लॉप साबित हुए, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाकर वॉशिंगटन सुंदर की टीम में वापसी कराई जा सकती है। तो वहीं 8वें नंबर के लिए एक और बड़ा बदलाव मिल सकता है आखिरी मैच में, जहां पर कुलदीप यादव दोनों ही मैच में अभी तक फ्लॉप साबित हो रहे हैं, इसलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखाकर युजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस महामुकाबले में खेलने वाले हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने अभी तक दोनों ही मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने पहले मैच में 5 विकेट लिए तो वहीं दूसरे मैच में भी 1 विकेट लिया था। वह 10वें नंबर के लिए टीम में मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, हालांकि मुकेश कुमार ने दोनों ही मैचों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और ना ही वह कोई भी विकेट ले सके थे, लेकिन उम्मीद है कि वह आखिरी मैच में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए टीम के पास तेज गेंदबाज आबिश खान खेलते
हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि आबिश खान ने जिस तरह से पहले ओडीआई में धमाकेदार गेंदबाजी की थी, हालांकि वह दूसरे मैच में वह गेंदबाजी नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल इसी प्लेइंग 11 के साथ आखिरी महामुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस टीम में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।